पंजाब दौरे पर आए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बठिंडा में व्यापारियों के साथ संवाद किया। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हर व्यापारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी। दिल्ली के सीएम ने पंजाब में भी एक ईमानदार सरकार का वायदा किया और भ्रष्ट नेताओं अफसरों से मुक्ति दिलाने की बात कही। दो बड़े ऐलान करके जा रहा हूं। पहला, हमारी सरकार बनेगी, फरवरी में चुनाव है, मार्च में नतीजे आ जाएंगे, 1 अप्रैल के बाद हर व्यापारी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होगी। और आज आपको कहने के जा रहा हूं, उसके बाद डरने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने बठिंडा के व्यापारियों को दिल्ली में 49 दिनों की सरकार की याद दिलाई। सीएम ने कहा कि तब दिल्ली में करप्शन का खात्मा हो गया था। केजरीवाल ने पंजाब में रिश्वतखोरी को पूरी तरह से बंद करने का वायदा किया। केजरीवाल ने व्यापारियों से कहा कि वो पंजाब में व्यापारियों को पार्टनर बनाने आए हैं, एक बार मौका दें, 5 साल बाद सभी व्यापारी उनके मुरीद बन जाएंगे। जैसे दिल्ली में किया, पंजाब के अंदर भी हम आपको एक ईमानदार सरकार देंगे। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। आज तक राजनीति के अंदर किसी ने ईमानदारी की बात करी नहीं थी, ईमानदार कोई बचा ही नहीं था, न पार्टी बची थी न नेता बचे थे, भ्रष्टाचार की बातें होनी बंद हो गई थी। सारे भ्रष्टाचारी थे, कौन करेगा भ्रष्टाचार की बात, सारे चोर थे, सारे डकैत थे। पहली बार एक पार्टी आई है जो कह रही है कि दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार बनाइए, पंजाब के अंदर भी आपको एक ईमानदार सरकार देंगे। मौके पर व्यापारियों ने भी अपने सुझाव रखे। केजरीवाल ने सरकार बनने पर सुझावों को लागू करने का भरोसा दिया। इससे पहले गुरुवार को आम आदमी पार्टी संयोजक ने किसानों के साथ संवाद भी किया था। टोटल न्यूज के लिए विश्वजीत झा की रिपोर्ट।